दोस्तों SBI क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट जो है वो काफी ही शानदार आए हुए हैं। साथ ही में NPA की क्या सिचुएशन है और नेट इंटरेस्ट इनकम की क्या सिचुएशन है वो भी हमें देखने लायक है। इन सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे, साथ ही में एनालिस्ट ने क्या अपनी राय दी है, कितने हाई लेवल तक ये जा सकता है, उसके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक सरप्राइज लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि वो सरप्राइज जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की प्राइस एक्शन को SBI के। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज जो SBI ने ओपनिंग दी थी वो दी थी 203.50 रुपए में और इसने 209 रुपए तक का हाई बनाया था। उसके बाद इसने 198 का लो बनाने के बाद 205 के ऊपर आज क्लोजिंग दी। तकरीबन मान के चलिए पिछली क्लोजिंग से जो है इसने 1 रुपए ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है। तो प्राइस एक्शन में आज हमें वो तेजी नजर नहीं आई है बट डेफिनेटली कल के दिन हमें जो उसके रिजल्ट आए हैं उसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट की तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है कि SBI क्वार्टर टू रिजल्ट जो है उसने प्रॉफिट दिखाया 52% का ईयर ऑन ईयर में और जितना एस्टिमेट किया जा रहा था उससे ज्यादा इसने अपना प्रॉफिट को दर्ज किया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो क्वार्टर टू के रिजल्ट को पूरा रीड करने के लिए BSE और NSE की साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं बट यहाँ पर पूरा ब्रीफ एक एनालिसिस दिया हुआ है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि SBI रिपोर्टेड अ 51.9% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट सितंबर 2 के क्वार्टर के एंड होने के बाद में तकरीबन 4574 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसने 3011 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और 89 ने जो पोल किया था वहां पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि तकरीबन ये 4400 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है लेकिन इसने उसको भी बीट किया है और इसने प्रॉफिट जो दर्ज किया है वो है तकरीबन 4574 करोड़ से भी ज्यादा का। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की बात हुई है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है उसके बावजूद भी, और हमें इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो NPA के जो असली रिजल्ट है उस पे अभी कुछ खास खुलासा नहीं हुआ है, वो चीजें जो है अभी पेंडिंग बची हुई है, शायद अगले क्वार्टर में वो हमको नजर आएंगी बट अभी की रिजल्ट पर अगर हम नजर डालें तो ये अच्छी खासी एक प्रॉफिट है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल इनकम की वहां पर भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 3.42% की जम है। पिछले साल जो है ये 72,850 करोड़ था जो कि इस साल में 75,341 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है NII ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक के लिए। यहाँ पर इसने 14% की जम दिखाई है और मान के चलिए आप 28,181 करोड़ का जो है यहाँ पर हमको प्रॉफिट नजर आना है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.22 से 3.34% हो चुका है। अभी नेट मार्जिन क्या होता है दोस्तों, देखिए किसी भी बैंक को जो है पैसे देने के लिए मतलब हम और आप लोगों को लोन देने के लिए पैसे जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसे लेते हैं उसके बाद हमको देते हैं राइट। तो जहां से वो पैसे लेते हैं उनको वहां पर भी इंटरेस्ट देना होता है और हम जो उनको इंटरेस्ट देते हैं उसके बीच का जो मार्जिन है वही होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जहां पर बढ़ोतरी होना मतलब कि सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि इनकम पे इनकी इफेक्ट होता है। आप देखिए 3.22 से ये 3.34% हुआ है इसीलिए हमको इतनी अच्छी जो है प्रॉफिट नजर आ रही है। दोस्तों किसी भी बैंक के लिए जो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद में जरूरी होता है NPS को मैनेज करना। अगर NPS आपके मैनेज नहीं है मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होते हैं वो मैनेज नहीं है तो आपका बैंक सही से काम नहीं कर सकता और वो हमेशा कम ही होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो यहाँ पर ग्रॉस NPA है वो तकरीबन 5.28% है जो कि पिछली बार से मतलब पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं 5.44 था तो उससे भी कम हो गया है। और अगर हम बात करें एक साल पहले की तो तब जो था वो 7.19 था तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पर एक मार्जिन है ये कि 7.19 से डायरेक्टली अभी ये
5.28 पर आ चुका है। तो नतीजे शानदार है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अगर आप नेट एनपीए भी देखोगे तो इसमें भी आपको ये डिफरेंस नजर आने वाला है। अभी की रेट में ये 1.59% है और अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 2.79 था, जो कि अभी हो चुका है 1.59। जितना कम होगा ये उतना अच्छा है। और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 1.86 था। तो ये आप बोल सकते हो कि काफी शानदार एक नतीजे इन्होंने पोस्ट किए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और दोस्तों इतने अच्छे नतीजे आने के बाद में जो एनालिस्ट है उन्होंने अपनी जो राय दी हुई है उसे भी आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एनालिसिस जो होते हैं इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बाद ही वो अपनी एक राय देते हैं, तो हमें उसका भी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे टिकट ऐप साइट के ऊपर में। देखिए ये मैंने SBI बैंक को जो है यहाँ पर ओपन कर लिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी ही इंटरेस्टिंग चीजें दी हुई है, जैसे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ग्रीन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो करंट प्राइस अभी चल रहा है SBI का वो अभी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब उसे आप ले सकते हैं। इसे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोलेंगे तो काफी ही एक अच्छा एक वर्ड होगा। बिकॉज सी एक टाइम पर, अभी से अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं तो SBI जो था तकरीबन 350 पर ट्रेड कर रहा था, और अभी के टाइम पर ये स्टॉक अगर आपको 200 की रेंज में मिल रहा है, और अगर कुछ दिनों पहले अगर आप देखते तो ये तकरीबन 150 से 160 की रेंज में भी आया था। तो उस रेंज पर जिसने लिया है तो उसका तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 200 की रेंज जो है ये भी बुरी नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ फोरकास्टिंग पे जाओगे तो आपको मेन चीज नजर आएगी वो ये कि पहली चीज तो यहाँ पर 43 एनालिसिस जो है इन्होंने अपने एनालिसिस को पोस्ट किया है, जिसमें से 93% लोग ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर अभी बाइंग कर सकते हैं, और इन्होंने जो अपने टारगेट्स दिए हैं उन्हें देखकर आप चौंकने वाले हैं। करंट प्राइस 204-205 चल रहा है, और अगर हम बात करें इसके हाई की तो देखिए 398 का इसका हाई बताया जा रहा है, मतलब तकरीबन मान के चलिए आप डबल वैल्यू, मतलब एक साल के अंदर ये शेयर जो है ये तकरीबन 398 जा सकता है। ये देखिए ये फोरकास्टिंग जो है ये नवंबर 2021 तक की दी हुई है। मीडियम की अगर हम बात करें तो 264 रुपए तक की बात की जा रही है, और लो की अगर हम बात करें तो 197 इसके आसपास ही अभी शेयर चल रहा है। तो देखिए एनालिसिस ने इतने अच्छे अपने व्यूज दिए हुए हैं। SBI अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक्स की तो उन सब में सबसे बेहतर बैंक आप बोल सकते हो, इवन दो प्राइवेट बैंक को भी टक्कर देता है, और इतने कम प्राइस पर अवेलेबल है, साथ ही में इतने अच्छे नतीजे भी अभी आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस पे अपनी नजर बना सकते हैं। हालांकि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको खुद की अपनी एक एनालिसिस करनी है, देन आफ्टर आपको आपका खुद का डिसीजन लेना है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपके थॉट्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।